स्वागत है सुहाना सफर के इस पड़ाव में, जहां हम आज से याद करेंगे ऐसे कलाकारों को, ऐसे फनकारों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा में योगदान तो किया मगर किसी वजह से उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिल पाया, भीड़ में उनका नाम कहीं खो गया। दिल ने फिर याद किया, आज के हमारे फनकार हैं म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली। यूं तो जीएस कोहली ने बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया, मगर इनका एक गीत आज भी उतना ही हिट है जितना कि उस जमाने में था। 1963 की फिल्म शिकारी का गीत है ये, तुमको पिया दिल दिया कितने नाच से, दो नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से। जीएस कोहली का जन्म पंजाब में 1928 में हुआ था। 1952 में जब डीएम पंचोली ने फिल्म आसमान में संगीतकार ओपी नैयर को ब्रेक दिया, तब जीएस कोहली ने उनके असिस्टेंट के रूप में उन्हें ज्वाइन कर लिया। कोहली उन्हें असिस्ट करने के साथ साथ उनके ही ऑर्केस्ट्रा में ढोलक भी बजाया करते थे। बहुत सी फिल्मों में ओपी नैयर को असिस्ट करने के बाद जीएस कोहली ने एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म की 1960 में, जिसका नाम था लंबे हाथ। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया एक गीत प्यार की राह दिखा दुनिया को उस जमाने में बहुत हिट हुआ था। इस फिल्म के बाद संगीत जगत में भी लोग जीएस कोहली को ओपी नैयर के असिस्टेंट के साथ साथ एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी जानने लगे। लेकिन जनाब, सिर्फ टैलेंट से ही कुछ नहीं होता, आपकी डेस्टिनी और आपका भाग्य ही सब कुछ है। अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपका नाम होगा, शोहरत होगी, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, तभी ऐसा हो सकता है। जीएस कोहली के भाग्य ने उनका इतना साथ नहीं दिया और उन्हें बड़ी फिल्मों की जगह छोटी फिल्मों के ही, बी ग्रेड की फिल्मों के ही ऑफर मिले। उन्होंने मिस्टर इंडिया, नमस्ते जी, एडवेंचर ऑफ रॉबिनहुड, फौलाद और शिकारी जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। 1963 में की गई शिकारी में दिए उनके संगीत के लिए उन्हें बहुत वाहवाही मिली। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की ये फिल्म बहुत अधिक नहीं चली थी मगर जीएस कोहली के संगीत की वजह से उस साल चर्चा में जरूर रही। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद भी जीएस कोहली ने ओपी नैयर का साथ नहीं छोड़ा और जब तक जीवित रहे उनके असिस्टेंट के रूप में काम भी करते रहे। 25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली की मृत्यु हो गई। भले ही उन्हें उनकी मेहनत और संगीत के लिए ख्याति और नाम नहीं मिला मगर उनके बनाए गीतों को लोगों ने तब भी सराहा और आज भी सराहते हैं। वापस लौटकर जवाब दूंगा कोलकाता की हमारी लिसनर सुपर्णा के प्रश्न का। सुपर्णा हमसे जानना चाहती हैं कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हिंदी फिल्मों के किन किन अभिनेताओं को अब तक मिला है। थोड़ी देर में आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप बने रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।